Hello, kids. Hi. Hello. Hi. How are you? Yeah. Cocktail. Yay. कितना अच्छा दिन है ना आज का. What a pleasant day. You know, every new day is a gift. हमें हमेशा आज में ही जीना चाहिए. इसीलिए शायद वर्तमान को इंग्लिश में प्रेजेंट कहते हैं. गिफ्ट. बिल्कुल अंकल. ये क्या है? आहा, मैंने गिफ्ट का नाम लिया और मेरे ब्रेन कैफे में गिफ्ट. ये जरूर मेरे लिए होगा. डेफिनेटली अंकल, शायद आप ही के लिए. आई ओन ब्रेन कैफे, इसलिए दिस गिफ्ट इज आल्सो फॉर मी. अरे अरे रुक. ए ए रुक. ये कैसा गिफ्ट है? इस गिफ्ट ने मुझे हैरान परेशान कर दिया. सॉरी अंकल, आपको हैरान परेशान करने के लिए. एक्चुअली इस गिफ्ट के अंदर एक रोबोटिक बॉल है जिसे मैं रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट कर रहा था. तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने अंकल के साथ मजाक करते हो. अंकल आप बुरा मान गए? कम ऑन अंकल, इट्स अ प्रेजेंट डे और आपके प्रेजेंट डे कितना अच्छा हो गया. बच्चे हंसे भी है ना. हाँ, और आपकी मॉर्निंग वॉक भी हो गई. Hello everyone, it's brain food time again at brain cafe. मैं हूँ शक्ति और मैं हूँ अंकल H2O. और हम आपको सर्व करते हैं साइंस की दुनिया से नए नए डिशेस. लाइफ में हमेशा ना आगे की सोचनी चाहिए. करेक्ट. मैं ऐसा ही करता हूँ. शायद यही वजह है कि अंकल H2O से हमेशा एक कदम आगे रहता हूँ. अंकल को हैरान परेशान करने वाला गिफ्ट प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजी का एक गिफ्ट था. अंकल को तो नहीं, बट आई एम श्योर आपको बहुत मजा आया होगा. क्यों? Yes! तो क्यों ना आज ब्रेन कैफे में रोबोटिक्स के बारे में बातें करें और रोबोट्स के साथ साथ कुछ और मजेदार चीजें करें. बॉडी से यस. शक्ति ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है. तुम परेशान करते हो मुझे और सवाल करते हो बच्चों को. हिम्मत है तो मुझसे पूछो ना जो पूछना है. मुझे बहुत हिम्मत है. अच्छा मुझे बताओ रोबोटिक्स के बारे में कुछ बताइए. रोबोटिक्स के बारे में कुछ नहीं जानता. हाँ मैं सूप और सूप स्टिक्स के बारे में सब कुछ जानता हूँ. ये देखो ये मेरे सूप स्टिक्स जो मैं खाता रहता हूँ. सूप बनाता हूँ और ये खा जाओ. क्या तुम्हें इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊँ? नो, नॉट इवन इंटरेस्टेड. वैसे आपने हिस्ट्री की बात की है तो मुझे रोबोटिक्स के हिस्ट्री के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज बतानी है. बताओ. बताओ. पता है आपको एंशिएंट ग्रीस में हेरॉन नाम के एक इंजीनियर थे जिन्होंने न्यूमेटिका और ऑटोमेटा नाम की दो बुक्स लिखी थी जहाँ उन्होंने ऑटोमेटेड मूवमेंट वाली कई वंडर मशीन्स का जिक्र किया था. शक्ति तुम जो बोल रहे हो ना वो हम सबके सर के ऊपर से जा रहा लाइक एरोप्लेन है ना. Yes! जो बोलना जरा सिंपली बोलो ना. कभी कभी हमारी स्पून फीडिंग भी कर दिया करो. ऑलराइट. आपका हुक्म सराखों पर. शक्ति ये क्या तुमने पुर्जे खोल दिए यहाँ पर मेरे ब्रेन कैफे में? यहाँ अंदर क्या गैराज खोलना तुमने? अंकल ये गैराज खोलने के लिए नहीं है. आपने कहा था ना स्पून फीड करने के लिए, इसीलिए मैं ये रोबोट लेकर आया हूँ इसे असेंबल करने के लिए. हमें दिखा दो तुम क्या असेंबल करने वाले हो. तो देखिए ये है हमारा बेसिक रोबोटिक किट. यहाँ पर है व्हील बेस और इसके अंदर है दो मोटर्स और इसे एक फ्रेम से अटैच किया हुआ है और मैं इसे बुलाता हूँ ब्लू बॉट रोबोट. ओह वाओ, क्या ये व्हील्स पे चलेगा? वैसे चलेगा लेकिन खुद ब खुद नहीं, हमें इसे कमांड देना पड़ेगा फिर ही चलेगा. वैसे व्हील्स के बजाय रोबोट्स कई तरह के मूवमेंट्स कर सकते हैं जैसे कि बाइपेडल वॉकिंग या क्लाइंबिंग रोबोट्स, उड़ने वाले अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, स्नेक की तरह क्रॉल करने वाले रोबोट्स और तो और रोबोटिक फिश यानी रोबोटिक ट्यूना पर भी रिसर्च जारी है. लेकिन ये ब्लू बोट जो है ये स्विम तो नहीं करेगा ना? मतलब ये इसके फिन्स तो है ही नहीं, इसके व्हील्स हैं. तो व्हील्स पे चलेगा लेकिन कैसे चलेगा? ये देखिए ये है इसका यहाँ पे मोटर और हम इसमें डालेंगे 9 वोल्ट की दो बैटरीज. ओके. ये है इस रोबोट का मदरबोर्ड यानी कि इसका ब्रेन. ओके. और इस ब्रेन से सारी चीजें ऑपरेट होती हैं. और यहाँ पर है हमारे पास
रोबोट का साउंड सेंसर। मान लीजिए ये रोबोट के ईयर्स होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या सभी रोबोट्स के ईयर्स होते हैं? नहीं अंकल, कुछ रोबोट्स में सेंस ऑफ टच होता है और कुछ में विजुअल्स और लाइट पहचानने की कैपेबिलिटी होती है। एक्चुअली रोबोटिक्स के फील्ड में बहुत तेजी से प्रोग्रेस हो रही है और हो सकता है कि बहुत जल्द इस ब्रेन कैफे में भी एक रोबोटिक हेल्प होगी। तुम खाली ये वर्ड यूज कर रहे हो, तेजी जल्द, लेकिन तुम इसको असेंबल करने में टाइम कितना लगा रहे हो? इतना टाइम थोड़ी हमारे पास। अरे अंकल आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहा था मैं, रुकिए फटाफट से असेंबल करता हूँ। देखिए अब इस मोटर को हम यहाँ पर मदरबोर्ड में अटैच करेंगे इस तरीके से और इसे यहाँ पर टाइट कर देंगे, स्क्रू टाइट कर देंगे। स्क्रू टाइट करने मुझे भी आता है। आई ओनली नो हाउ टू टाइटन हिज स्क्रूज। अब इसके अंदर 2 9 वोल्ट की बैटरीज हम डालेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे इसका फ्रेम। ये बन गया इसका बेस। अब ये जो मदरबोर्ड है इसके अंदर अटैच करके स्क्रू टाइट कर देंगे। आई नो इट। ये हमने मदरबोर्ड अटैच कर दिया और ये साउंड सेंसर इसके ऊपर अटैच कर दिया। अब इन 9 वोल्ट की बैटरीज को हम मदरबोर्ड से अटैच करेंगे इस तरीके से। ये हो गए अटैच और दूसरी 9 वोल्ट की बैटरी को भी यहाँ से अटैच कर देंगे और बन गया हमारा ब्लू बोर्ड रोबोट। अरे तुम्हारा ब्लू बोर्ड तो बहुत स्मार्ट लग रहा है भाई। अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा। तो ताली बजाइए फिर। मैं रोबोट नहीं हूँ, तुमने कहा ताली बजाओ और मैं ताली बजाऊंगा। और तुमने ऐसा कौन सा बड़ा काम किया कि मैं ताली बजाऊं? अरे अब क्लैप तो करिए मेरे लिए प्लीज। ओके देखा, वापस क्लैप करिए। देखा रुक गया। है ना मजेदार? भाई वाह, ये तो बहुत ही मजेदार है। और शक्ति यकीन नहीं होता कि तुमने खड़े खड़े हमारे सामने यहाँ पर पूरा रोबोट असेंबल कर दिया। ये है एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी का सिंबल। एक्चुअली एक बहुत सिंपल रोबोट है, पर मेरे पास एक और रोबोट है जो बड़ा ही एजी है। देखना चाहेंगे? हाँ दिखाओ। यस। तो ये है मेरा एजी रोबोट। अब इसे चालू करते हैं। वाओ, क्या चल रहा है? मस्त है ना बच्चों? कुछ भी नहीं है। देखो फिर मुझे पता ये क्यों रुका? कैसे बताओ? इसमें कॉमन सेंस है, इसको मालूम पड़ा कि आगे कुछ नहीं, इसलिए रुक गया। कॉमन सेंस नहीं अंकल, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है और ये सेंस कर लेता है कि अगर आगे कोई सरफेस ना हो तो गाड़ी अपनी आप रुक जाएगी। भाई वाह, क्या क्या रोबोट है तुम्हारे पास। एक क्लैप की वजह से सुनता है और चलता है, एक सरफेस के कारण रुकता है और चलता है। अगर ये रोबो कुछ काम वाम भी करते ना तो मैं इनका पेपर में मैट्रिमोनियल एड दे देता। अंकल आपको पता है कि एक ऐसा रोबोट भी है जो काम भी कर सकता है? है? देखना चाहेंगे? ऑफ कोर्स। ओके तो फिर देखते हैं थ्रिलर ड्रिलर, एक यूजफुल रोबोट। अंकल आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसे आपको ड्रिल करना हो? छोटी सी है लेकिन मेरे स्टोर रूम में है। तो फिर लेकर आइए। ओके ऑलराइट। पर शक्ति मैंने तुम्हें स्टोर रूम से लाके सारा सामान दे दिया था, तुम्हारा वो रोबोट है कहाँ? चलिए ठीक है, बुलाते हैं उसे। अरे ये कहाँ से आ गया? ये देखिए, ये है मेरा थ्रिलर ड्रिलर और ये है अंकल का वुडन बोर्ड जो अंकल ड्रिल करवाना चाहते हैं। देखिए ये है हमारा थ्रिलर ड्रिलर और इसके अंदर हमने लगा दिया है ये ड्रिलिंग मशीन। अब इसे हमने कनेक्ट किया है एक रिमोट कंट्रोल के साथ। अब देखिए कमाल, इसे हम आगे लेकर जाते हैं। ये पहुंचा दिया इसको इसके डेस्टिनेशन पे। अब ड्रिलिंग शुरू। आप करना चाहेंगे? ओके अभी रिवर्स कीजिए। ये हो गया ड्रिल और ये आपकी गाड़ी आगे पीछे। भाई वाह,
कारपेंटर जैसा है। वाकई बिल्कुल कारपेंटर जैसा है। अगर आगे से मुझे वुडन प्लैंक में होल करने होंगे तो इसी से करूंगा, लेकिन डरता हूँ कि ये मेरी पॉकेट में भी होल कर देगा। बहुत महंगा होगा ये। एक्चुअली ये प्राइसलेस है, क्योंकि आजकल जोखिम भरे जगहों पे रोबोट्स को ही भेजा जाता है ड्रिलिंग करने के लिए, जैसे कि डीप माइनिंग के लिए। ये वाकई बहुत कमाल की चीज है, लेकिन ये बताओ ये काम कैसे करता है? दरअसल इस रिमोट कंट्रोल रोबोट पे एक ड्रिल माउंट करना पड़ता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और उसे एक इलेक्ट्रिक स्विच से कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे ही ये वुडन फ्रेम के पास पहुंचता है, ड्रिल को स्विच ऑन करना पड़ता है ये रिमोट के द्वारा, और फिर वो अपना काम कर देता है। क्या आपको पता है रोबोट और रोबोटिक्स, इन दोनों वर्ड्स को साइंस फिक्शन बुक्स में कॉइन किया गया था। 1920 में मशहूर चेक राइटर कैरल चैपेक ने अपने प्ले में पहली बार रोबोट्स का जिक्र किया था, और 1942 में साइंस फिक्शन राइटर आइसैक एसिमोव ने थ्री लॉज ऑफ रोबोटिक्स फॉर्मुलेट किए और रोबोटिक्स वर्ड कॉइन किया। वैसे मैंने भी एक वर्ड कॉइन किया है। क्या? ब्रेक। वेल, ब्रेक वर्ड आपने कॉइन नहीं किया, बट स्टिल इट्स ओके, लेट्स टेक अ ब्रेक। रोबोट और रोबोटिक्स के अलग अलग एग्जांपल्स और देखने बाकी हैं, सो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्दी लौटेंगे ऑन ब्रेन कैफे। शक्ति बेटा, शक्ति इतना अंधेरा क्यों है? लाइट ऑन क्यों नहीं की है शक्ति? ये कार 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 चल रही है यहाँ पर, कोई है कि नहीं? लगता है एलियंस आ गए। हेल्प मी प्लीज, हेल्प मी, एनीबडी देयर? शक्ति गैंग लैंडिंग ऑन ब्रेन कैफे। एलियंस बोल रहे हैं। शक्ति हेल्प मी। तुम लोग सब नॉटी और नॉटी। ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है शक्ति। तुम हमेशा मेरी टांग खींचते रहते हो, इसीलिए शायद मेरे घुटनों में दर्द रहता है। पर मैं वो लाइट वाइट देखकर मैं बहुत डर गया था। ये लाइट आई कहाँ से, मुझे जरा बताओ तो सही। अंकल, आज हम ब्रेन कैफे में किसकी बात कर रहे हैं? रोबोट्स एंड रोबोटिक्स। रोबोट्स एंड रोबोटिक्स, राइट। तो ये एक कार है जो लाइट के सेंसर्स पे काम करती है। जहां जहां आप उसको लाइट दिखाओगे वहां वहां ये गाड़ी चलेगी। अच्छा, एक और मजेदार चीज आपको मैं दिखाना चाहता हूं। दिखाओ। दिखाओ। ऑलराइट। तो ये रोबोट लाइट से क्रिएटेड एक पर्टिकुलर पाथ पे चलता है, जहां लाइट जाती है ये रोबोट उसी की तरफ चलता है। अब ये देखिए, इस कार के आगे एक लाइट सेंसर है जो लाइट को डिटेक्ट करता है और एक पाथ सेलेक्ट करता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक ब्लैक पाथ लगा दिया हुआ है और ये कार सिर्फ ब्लैक पाथ के ऊपर चलेगा, तो इसीलिए हम लाइट्स को डिम कर देते हैं। अंकल, लाइट्स डिम हो सकती हैं? लाइट्स डिम प्लीज। एंड किड्स, कम हियर, कम हियर। ओके, अब इसे इस पाथ के ऊपर रखते हैं और अब देखिए कमाल, ये चालू हो गई। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, चलो लेफ्ट जाओ, लेफ्ट 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 लेफ्ट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये रोबोट है या गाइड? ये कैसे करती है अपने आप को गाइड? ये दिखने में तो बड़ा डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन है बड़ा आसान। आई विल एक्सप्लेन। गाइस, यू कैन गो बैक टू योर प्लेसेस। और इसे यहाँ पे रखते हैं, और इस रोबोट के ऊपर दो लाइट सेंसर्स लगे हैं। राइट वाला कंट्रोल करता है राइट व्हील को और लेफ्ट वाला कंट्रोल करता है लेफ्ट व्हील को। जैसे ही पाथ में मोड़ आता है, तब एक साइड का सेंसर बाहर जाता है और साथ ही वो उस साइड के व्हील की मोटर को बंद कर देता है, लेकिन दूसरे व्हील का मोटर ऑन है, इसलिए रोबोट उस तरफ मुड़ जाता है और ट्रैक पर दोबारा आ जाता है, और जो सेंसर पहले बंद हुआ था वो अब फिर से शुरू हो जाता है। इस तरह दोनों व्हील्स के चलते रोबोट ट्रैक पर सीधा चलने लगता है, जब तक दोबारा कोई मोड़ ना आ जाए। भाई वाह 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 शक्ति,
ये तो वाकई बात ब्रेकिंग रोबोट है। काश ऐसा कोई रोबोट मेरे ब्रेन कैफे में भी होता जो मेरी हेल्प करता। तुम तो मेरे बारे में कुछ सोचते ही नहीं, तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं है। आपके लिए रोबोट नहीं, जीनी पेश करते हैं। जीनी? कहाँ है जीनी? आपके काउंटर के नीचे। काउंटर के नीचे? लेकिन मैंने सुना था कि जीनी तो हमेशा बॉटल में रहता है। भाई आजकल मॉडर्न जमाना है, शायद जीनी ने अपना घर चेंज कर लिया हो। ये तो फोन है। अच्छा तो ये जीनी का फोन है क्या? नहीं, आपका। मेरा फोन है? ओ समझ गया, मतलब ये जीनी मुझे फोन पे मेरी प्रॉब्लम पूछेगा फिर सॉल्व करेगा। नहीं अंकल, ये जो फोन है ना, ये आप ही का फोन है और यही जीनी है। यही जीनी है? हाँ, मैंने अंकल के फोन को मोबाइल कंट्रोल रोबोटिक डिवाइस बना दिया और इससे हम बहुत कुछ काम भी करवा सकते हैं। अंकल आपको बस फोन लगाना है और आप अपने मिक्सर को चला सकते हैं, लैपटॉप में म्यूजिक सुन सकते हैं, पंखे को चला सकते हैं। तो तुम्हारा मतलब है ये फोन जिसको तू पहले जीनी कह रहा था, अब तू रोबोट कह रहा है, ये सब काम करेगा? यस। लेकिन कैसे? फोन लगा के। अब आपका ये रोबोट, अब यानी कि फोन, ऑन करेगा उस फैन को। रियली? यस। ओके लेट्स सी। अब देखिए मैं एक नंबर डायल करता हूँ, ये नंबर 3। एक्चुअली आप कोई भी ऑड नंबर दबाएंगे तो वो फैन वहां पे शुरू हो जाएगा, जैसे कि 13579, और अगर मैं 8 नंबर दबाऊंगा तो वो मशीन स्टॉप हो जाएगी। अब हम दबाएंगे यहां पर 3। वो देखिए फैन ऑन हो रहा है। ये, हो रहा है। ये, 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 ये। ओके अब इसे ऑफ करते हैं। ये दबा दिया बटन और ये फैन बंद हो गया। ये! So, बन गया आपका फोन एक जीनी। भाई वाह, ये फोन कभी जीनी बन गया तो कभी ये रिमोट बन गया तो कभी क्या क्या बन गया, लेकिन ये सब हुआ कैसे जरा बता तो सही। ये फोन एक रिमोट कंट्रोल की तरह फंक्शन करता है। जिस फैन को हमने ऑन किया उसके एंड पर एक और फोन है। ये फोन अटैच्ड है एक मोटर डिवाइस से, which in turn is connected to the switch which puts on the fan. ये फोन एक साउंड सेंसर का काम करता है। टच टोन्स और डिफरेंट साउंड्स के दम पे ये ऐसे कई इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकता है। अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। शक्ति तुम्हें ऐसा लगता नहीं कि हम भी किसी रिमोट सर्किट से कनेक्टेड है और बार बार वो हमें इस बात का एहसास दिलाता रहता है? Of course, आपका इशारा कहीं ब्रेक लेने की तरफ तो नहीं है? हाँ। जो हम रेगुलर इंटरवल्स पे लेते रहते हैं। Yes। उसे वैसे भी हम लोग नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? और वैसे भी आपका मुझे अंदाज काफी अच्छा लगा। और वैसे रोबोटिक्स के बारे में भी कुछ अनदेखे अनोखे अंदाज हैं जिनके बारे में आप जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। शक्ति जरा किचन से ब्रेड लेकर आ, मैं बच्चों के लिए ऑमलेट सैंडविच बना देता हूँ। ओके अंकल, बस कुछ ही देर में। व्हाट यू मीन कुछ ही देर में? मैं जब तुम्हें कोई काम बोलता हूँ तुम बोलते हो कुछ ही देर में। तुम किसी काम नहीं आते मेरे ब्रेन कैफे में, किसी काम नहीं आते। काश मेरे पास कोई रोबोट होता जो मेरे सब काम करता। ओके ठीक है, तो फिर उस रोबोट से ही काम करवा लीजिए। शक्ति तुम क्यों मजाक कर रहे हो? मतलब मैं ताली मारूंगा और रोबोट हाजिर हो जाएगा ये बोलकर, यस सर आई एम एट योर सर्विस? ताली बजाओगे तो हाजिर हो भी सकता है। रोबोट हाजिर हो। आपने ताली मारी और वो हाजिर। अरे शक्ति ये तो अमेजिंग है। ये क्या है? ये मेरा रोबोट है। अरे रोबोट अचानक कहां से आया? यही तो मैं बना रहा था अंकल, इसे फिक्स कर रहा था मैं। अच्छा चलता कैसे? ये दो क्लैप मारने से चलता है, एक क्लैप मारने से रुक जाता है। मैं ट्राई करूं? प्लीज। ओके ओके नाउ किड्स जस्ट वॉच मी। रुक गया ना। ये आपको ठोकर नहीं मारेगा अंकल, टेंशन मत लीजिए। रुक गया। देखा आपके इशारों पे काम कर रहा है।
अंकल डरिए मत, ये मुझे भी ठोकता नहीं आके। अच्छा हाँ। क्यों लेकिन? एक्चुअली मैंने इसके अंदर सेंसर्स लगा रखे हैं, जब भी ये किसी ऑब्स्टेकल को देखता है तो वहीं रुक जाता है और फिर राइट टर्न ले लेता है या फिर लेफ्ट टर्न ले लेता है। वाह, अच्छा ये और क्या क्या करता है? ये बहुत सारे काम कर सकते हैं अंकल, मैं भी दिखाता हूँ। पहले मैं इसे चालू करके सीधा कर देता हूँ। वाह, तालियों से चलता है, तालियों से रुकता है। अगर ये एक्टर होता ना तो किसी ऑडिटोरियम में ऑडियंस की तालियां सुनकर पागल हो चुका होता। वो तो पता नहीं अंकल, लेकिन ये अपने चाहने वालों के साथ हाथ जरूर मिलाता है। शेक हैंड कर सकता है मेरे साथ? क्यों नहीं, आपको डेफिनेटली चाहता है वो। Okay. हाथ मिलाइए। Okay. रोबोट प्लीज शेक हैंड विद मी। रोबोट हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए। ओहो नमस्ते जी। अरे मेरे लिए गिफ्ट भी है। यस चिप्स है, चिप्स बच्चों आपके लिए, चिप्स है, पैकेट रोबोट ने भेजे हैं। ये लो, और भी हैं, और भी हैं। ये बच्चों के लिए चिप्स रोबोट लाया है। सबको सबको बांटो, सबको बांटो। हाँ। रोबोट ने सबके लिए गिफ्ट लाए हैं। ओके अब इसे फिर से बंद कर देते हैं। वाह, तो इसमें मैंने यहाँ पर एक सेंसर लगाया हुआ है जिसे कहते हैं IR सेंसर, यानी कि इंफ्रारेड सेंसर। जैसे ही इसके सामने ये हाथ रखेंगे तो ये देखिए हाथ कैसे ऊपर जाता है ना? वाह। और जब मैं फिर से हाथ रखूंगा तो ये हाथ बंद हो जाएगा। तो ये इस सेंसर पे काम करता है। क्यों अंकल, मजा आया ना? बहुत बढ़िया, इतना काम किया आपके रोबोट ने। जब भी आपने कहा चला, जब भी कहा रुक गया, और साथ ही साथ अब चिप्स भी दिए। शाबाश नहीं देंगे आप उसको? अरे हाँ, मैं इसको जरा प्यार करता हूँ। हाँ। शाबाश मेरे रोबो। अरे हाँ, रोबोट अपना दिल खोल रहा है। अरे अंदर तो पेस्ट्री है, पेस्ट्री। इस पे लिखा है हैप्पी बर्थडे टू मी। हाँ, ये टू मी कौन है? अरे अंकल ये रोबोट अभी अभी बना है ना, तो इट इज हिज फर्स्ट डे ऑन अर्थ, यानी कि उसका हैप्पी बर्थडे है आज। अच्छा अच्छा। हाँ, और ये कॉम्प्लेक्स रोबोट है जिसमें कई सेंसर्स हैं, साउंड लाइट एंड टच, जो इसे अलग अलग काम करवा सकते हैं। तो फिर ठीक है, आज से ये रोबोट यहाँ ब्रेन कैफे में अंकल H2O के इशारे पे चलेगा। ओके, एज यू विश अंकल H2O। वैसे इसके कजिन जो है वो मार्स गए हुए हैं काम की तलाश में। हाँ वो तो है, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम जो कितनी है। वो तो है, लेकिन क्या आपको पता है जिन रोबोट्स को मार्स पे भेजा गया था वो वहां की मिट्टी, पत्थर और एटमॉस्फेयर के सैंपल्स कलेक्ट करके उन्हें एनालाइज करके डेटा धरती तक भेजने में सक्सेसफुल रहे हैं? मार्स पाथफाइंडर, नैनो रोवर और नासा का सोजर्नर रोवर और क्यूरोसिटी नाम के रोबोट्स ने साइंटिस्ट की बहुत मदद की है स्पेस को और बेहतर समझने में। अंकल H2O पेस्ट्री। हाँ बेटा, अभी खिलाते हैं पेस्ट्री और हम सब मिलके करेंगे सेलिब्रेट रोबोट का बर्थडे, लेकिन पहले शक्ति वाइंड अप तो कर ले। ठीक है, तो ब्रेन कैफे से जल्दी रैप अप कर लेते हैं। आज हमने साइंस के एक कटिंग एज हिस्से को एक्सप्लोर किया, रोबोट्स एंड रोबोटिक्स, और हमने असेंबल किया एक छोटा रोबोट, रोबोट्स की अलग अलग सेंसिंग एबिलिटीज को देखा और समझा कैसे रोबोट्स साउंड लाइट एंड टच को रिस्पॉन्ड करते हैं, और फाइनली देखा एक सुपर डुपर रोबोट। और अब हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे, दुनिया के पहले कमर्शियल इंडस्ट्रियल रोबोट का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल इंडस्ट्रियल रोबोट? अपना आंसर हमें लिख भेजिए @braincafe@zq.in पर। हम जल्द मिलेंगे लेकर साइंस का एक और एक्साइटिंग टॉपिक। तब तक रहिएगा तैयार टू बिकम होनहार, होशियार एंड जोरदार, ओनली ऑन ब्रेन कैफे। एंड मीट माय रोबोट। यस, देखो से हाय।